Hey guys, welcome to only vocabulary. So guys, आज हम लोग ये 7 words discuss करने वाले हैं proverb, banking, SSC and other competitive exam. And guys, इन सारे words को हम लोग समझने में, इन सारे words को याद रखने में prescribe करेंगे या उसे visualize करके picture से याद रखने की कोशिश करेंगे ताकि words हमें long term तक याद रहे and ज़्यादा words को भूल भी ना पाओ. Okay, so guys, sit back, relax and watch this video till the end to learn some more new words. So, let's get started. First word हमारा है infantile. Infantile. Infantile means immature. Immature or childish. मतलब बचकाना, बचकाना, बचकाना या बच्चों सा behave करना को कहते हैं infantile. जैसे suppose कोई 20-25 साल का लड़का है एंड वो बच्चों सा बिहेव कर रहा है. बच्चों सा बिहेव कर रहा है मतलब बच्चों वाली हरकतें कर रहा है. या सपोज वो ना अंगूठा चूसता है ना. आपने देखा होगा बच्चे लोग अंगूठा चूसते हैं तो वो भी बच्चों सा अंगूठा चूस रहा है. इमैच्योर सा बिहेव कर रहा है, बचकानी हरकतें कर रहा है, उसे कहते हैं इनफेंटाइल. या जैसे स्पीक में देख लो, देखो ये बच्चों सा रो रहा है ना. ऐसे बच्चे लोग रोते हैं ना करके, तो ये सपोज बच्चों सा रो रहा है तो इसे कहेंगे आप इनफेंटाइल. सो इनफेंटाइल मीन्स इमैच्योर और चाइल्डिश. Or we can say very silly in a way that is not appropriate or polite. इसे हिंदी में कहेंगे बचकाना, बचकाना या बाल संबंधी. And guys, infantile को याद रखने के लिए आप इसको करो रिलेट infant से. देखो infantile में है ना infant. Infant का मतलब ही होता है newborn baby या childish. Actually ये word infantile आया infant से. So someone behaving like an infant. तो someone behaving like an infant मतलब कोई बच्चों सा बिहेव कर रहा है, newborn baby जैसा बिहेव कर रहा है, वो होगा is infantile. Okay, so someone behaving like an infant is infantile. For example, infantile behavior या infantile jokes. जैसे होता ना हाथी या चूहा वाला मतलब जोक मारा तो वो infantile jokes. And guys, infantile के synonyms होंगे childish, immature, boyish, juvenile, youthful, adolescent या kiddish. And इसके antonyms होंगे mature या adult. Next word हमारा है succinct. Next word is succinct. Succinct means short, clear and to the point. Short, clear and to the point. मतलब किसी भी चीज को या किसी चीज को short में simple and to the point कहना. To the point कहना, बोलना या किसी चीज को टू द पॉइंट एक्सप्रेस करना हो कहते हैं सक्सीएंट. जैसे सपोज इसे एग्जांपल समझते हैं. जैसे सपोज कोई दीवाना, कोई आशिक है एंड वो अपनी गर्लफ्रेंड को 4-5 पेज में लव स्टोरी लिखता है. 4-5 पेज में, सपोज करो इस जमाने में कोई 4-5 पेज में लव स्टोरी लिखता है. बट वो उसमें लिखना क्या क्या चाहता है, बस यही ना, यू प्लस मी ये लव प्लस फॉरएवर, यही बस ना लिखना चाहता होगा वो. तो वो 4-5 पेज के बदले बस एक पेज में बस यही ड्रॉइंग कर देता तो बात खत्म हो जाती. तो अगर वो 4-5 पेज को शॉर्ट में टू द पॉइंट लिखना चाहता होगा तो वो होगा, तो उसे कहते हैं सक्सेंट. मतलब अगर वो ऐसे लिखना चाहता बस यही वो सेंड कर देता या इसे पिक्चर में भेज देता तो बात उसकी खत्म हो जाती. उसको तो टाइम भी नहीं लगता एंड जो उसे पढ़ने वाला उसको भी बात तुरंत देख के उसे समझ आ जाता. उसको भी टाइम नहीं लगता और इसको भी टाइम लिखने में नहीं लगता. ओके, तो किसी भी चीज को अगर वो लव स्टोरी 4-5 पेज के बदले हाफ पेज में देता या कुछ ऐसा शॉर्ट सिंपल टू द पॉइंट लिख देता तो उसे कहते हैं सक्सीएंट. ओके, जैसे इस पिक्चर में अगर ये यू प्लस मी ये क्या है, ये एक तरह से टू द पॉइंट है. कोई भी आप इसे भी देख के आप समझ सकते हो कि कौन क्या बोलना चाह रहा है. ओके, तो इसे कहते हैं टू द पॉइंट एंड शॉर्ट क्लियर में, तो इसे कहते हैं सक्सीएंट. सो सक्सीएंट मींस शॉर्ट क्लियर एंड टू द पॉइंट. और दे कैन से सेड इन ए क्लियर और शॉर्ट वे. हिंदी में कहेंगे संक्षेप, संक्षेपित या छोटा. एंड गाइस इसे याद रखो आप सक प्लस इंक से. देखो है ना SUC CC है, उसको मैंने सक सक प्लस इंक जो होता है लिखने वाला इंक एंड सक. तो किसी भी चीज को शॉर्ट एंड सिंपल में लिखना है तो शॉर्ट समरी ऑफ ए स्टोरी, शॉर्ट एंड समरी ऑफ ए स्टोरी, सक लेस इंक, लेस इंक ऑन द पेपर. होता है ना जब हम 4-5 पेज में लिखते हैं तो बहुत ज्यादा इंक लगता, वही हम शॉर्ट सिंपल में लिख रहे हैं तो जो इंक है वो बहुत कम लगेगा. तो सक लेस इंक. ओके, तो सक इंक है तो इसमें सक लेस इंक को लगेगा ऑन द पेपर तो वो होगा सक्सीएंट. ओके, मतलब शॉर्ट एंड सिंपल में होगा तो वो होगा सक्सीएंट. फॉर एग्जाम्पल देखो आपको इससे हो जाए क्लियर,
keep your letter succinct and to the point. मतलब आपके letter को जैसे वो letter जो चार पांच पेज में लिखता है, वो half page में लिखता तो वो होता keep your letter succinct and to the point. Next example is he gave a succinct overview of the expansion project. Succinct overview मतलब जो expansion project का जो expansion जो भी हुआ है उसको overview उसको उसने देना है, तो वो short and simple to the point दे रहा है, तो वो होगा succinct overview. Okay. एंड गाइस सक्सेंट जब हम इसे एज एडवर्ब यूज करते हैं तो वो होगा सक्सेंटली. एंड सक्सेंट के सिनोनिम्स होंगे ब्लंट, कंसाइज, कर्ट, पिथी, लेकोनिक, कैप्सूल या ब्रीफ. एंड इसके एंटोनिम्स होंगे एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड, लेंथी या वर्डी. नेक्स्ट वर्ड हमारा है डेजल्ट्री. डेजल्ट्री, डेजल्ट्री मीन्स लैक ऑफ डिफिनिट प्लान, लैक ऑफ डिफिनिट प्लान, lack of definite purpose, or we can say purposeless. मतलब जब कोई person किसी काम को बिना plan के करता है, जब कोई person किसी काम को बिना plan के करता है, बिना किसी purpose के करता है, उसे उस काम को जैसे तैसे करता है, उस काम को ठीक से नहीं करता है, या आप कह सकते हो उस काम को मन लगा कर नहीं करता है, पूरे मन से नहीं करता है, तो उस action को, उस काम को बोलते हैं desultory. इसे भी आप एग्जांपल समझो, जैसे सपोज कोई पढ़ाई कर रहा है एंड वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा, मतलब मन से नहीं कर रहा, ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसे कहते हैं डेजल्ट्री. जैसे ये देखो, ये सपोज ये पढ़ाई कर रही है, देखो ये गाना भी सुन रही है, पढ़ाई भी कर रही है, तो ये मन से नहीं कर रही है, ठीक से नहीं कर रही है, सीरियस इफर्ट्स के साथ नहीं कर रही है, तो इसे कहते हैं डेजल्ट्री. डेजल्ट्री मैनर कह सकते हो, डेजल्ट्री अटेम्प्ट कह सकते हो. और इसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज डेजल्ट्री कन्वर्सेशन. ओके, इसे भी समझो एग्जांपल से. जैसे सपोज आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो एंड आपके जो सामने वाला पर्सन है वो डेजल्ट्री मतलब अच्छे से रिप्लाई नहीं दे रहा. जैसे सपोज आप उसको अच्छे से कुछ समझा रहे हो एंड वो बस हाँ नहीं होता ना बस कर रहा है, मतलब उसका वो जो कन्वर्सेशन वो डेजल्ट्री मतलब वो जो बोल रहा है वो जो मतलब ठीक से मतलब वो अच्छे से नहीं कर रहा है. ओके, मतलब किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर रहा है, सीरियस इफर्ट्स के साथ नहीं कर रहा है, ठीक से नहीं कर रहा, बस वो जैसे तैसे कर रहा है, तो उसे कहते हैं डेजल्ट्री. ओके, सो डेजल्ट्री मीन्स विदाउट ए क्लियर प्लान, मतलब कोई क्लियर प्लान नहीं है, विदाउट ए क्लियर प्लान, पर्पस एंड शोइंग ए लिटिल इफर्ट और इंटरेस्ट, और वी कैन से डन विदाउट सीरियस इफर्ट, मतलब सीरियस इफर्ट के साथ नहीं किया जा रहा है, जैसे ये पढ़ाई भी करी तो सीरियस इफर्ट नहीं है उसमें, वो होगा डेजल्ट्री. हिंदी में कहेंगे ठीक से ना करना या जैसे तैसे करना. एंड गाइज इसे याद रखो आप डेजल्ट्री को रिजल्ट से, देखो अगर हम डी के जगह आर कर देंगे ना, आर ई एस यूल्ट रिजल्ट, ये तो रिजल्ट रही, तो इसे रिजल्ट नहीं रिजल्ट से करो रिलेट. ओके, डेजल्ट्री रिजल्ट से, तो डेजल्ट्री अप्रोच, डेजल्ट्री अप्रोच या डेजल्ट्री मैनर. ओके, डेजल्ट्री अप्रोच या मैनर गिव्स यू बैड रिजल्ट. ओके, होता है ना, अगर आप किसी काम को ठीक से नहीं कर रहे हो, पूरे मन से नहीं कर रहे हो, बिना प्लान के कर रहे हो, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा. जैसे सपोज ये भी पढ़ाई करिए तो ये ठीक से पढ़ाई नहीं करिए, बिना मन से करिए, तो ये सपोज एग्जाम में फेल हो जाएगी, तो वो बैड रिजल्ट होगा ना. तो डेजल्ट्री अप्रोच मैनर गिव्स यू बैड रिजल्ट, तो इसे करो रिजल्ट से, बैड रिजल्ट होगा. क्यों? क्योंकि डेजल्ट्री वो मतलब ढंग से नहीं किया गया, ठीक से नहीं हुआ, वो होगा डेजल्ट्री अप्रोच मैनर गिव यू बैड रिजल्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ से आपको अच्छे से हो जाए क्लियर. ही मेड ए desultory, desultory attempt to study. Desultory मतलब half-hearted. Desultory का half-hearted भी बोलते हैं, मतलब ठीक से नहीं हुआ ना, मतलब आधे मन से उसको काम को किया जा रहा है. तो he made a desultory या half-hearted attempt to study. जैसे speak में देख लो. And इसके related words है, जब हम adverb करते हैं तो वो होता है desultorily. And desultory के synonyms होंगे orderless, aimless, stray, slapdash या random. And इसके antonyms होंगे ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टेमेटिक या ऑर्डरली. नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिफेस. डिफेस, डिफेस मीन्स किसी भी काम को बिगाड़ना, नहीं किसी भी चीज को बिगाड़ना, खराब करना या तोड़फोड़ करना, वो कहते हैं डिफेस. या आप इसे ऐसे भी यूज करते हैं किसी भी पर्सन को बदनाम करना या कलंकित करना या उसे नुकसान पहुंचाना को भी कहते हैं डिफेस. जैसे स्पीक में देख लो, ये लोग जो बच्चे लोग देखो ये दीवार को खराब कर रहे हैं, है ना, इसे बिगाड़ रहे हैं, मतलब जो ये दीवार वाल था व्हाइट था एंड इसे गंदा किया जा रहा है, इसे बिगाड़ा जा रहा है,
इसे कहते हैं डिफेक्ट। तो ये किसी भी चीज को या किसी भी पेंटिंग को या किसी भी बिल्डिंग को या किसी बुक को या किसी भी चीज को आप उसे खराब कर रहे हो, उसे बिगाड़ रहे हो, उसे तोड़ मरो किया जा रहा है, तो उसे कहते हैं डिफेक्ट। या आप उसे स्पॉइल कर रहे हो तो उसे भी कहते हैं डिफेस। तो डिफेस मीन्स स्पॉइल द सरफेस, जब यहाँ था ना सरफेस, तो स्पॉइल द सरफेस और अपीयरेंस ऑफ समथिंग बाय ड्राइंग और राइटिंग ऑन इट। हिंदी में कहेंगे बिगाड़ना, खराब करना या नाश करना। एंड गाइस इसे याद रखो फेस से, देखो ना डिफेस में फेस, फेस चेहरा वाला फेस, तो फेस सपोज फेस डिफेस हो गया, फेस सपोज किसी का फेस डिफेस हो गया, सपोज बाय सम इंजरी, बाय सम सीरियस इंजरी होता है ना, जैसे सपोज किसी का एक्सीडेंट हुआ या वो सपोज मुंह के बल गिर गया तो होता है ना उसके फेस में कुछ स्क्रैच आ जाता है, तो वो इसके मतलब आपका फेस डिफेस हो गया, मतलब थोड़ा स्क्रैच आ गया, मतलब बिगड़ सा गया है ना, तो उस टाइप से उसको बस याद रखें आप करो रिलेट कि फेस डिफेस हो गया बाय सम सीरियस इंजरी, मतलब फेस में स्क्रैच आ गया या ऐसा कुछ से। या देखो आपको एग्जांपल में भी यहाँ है, देखो स्कार्स एंड पिंपल्स डिफेस हर चिक्स, इसका होता है ना पिंपल्स आ जाते हैं स्किन में या स्कार्स आ जाते तो आपका फेस डिफेस हो जाता है, मतलब ढंग से नहीं रहता, बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो उस टाइप से। ओके या और एग्जांपल यहाँ देखो, ही वॉज फाइंड फॉर डिफेसिंग लाइब्रेरी बुक, वो फाइंड क्या गया क्यों, डिफेसिंग लाइब्रेरी बुक, मतलब वो लाइब्रेरी बुक को गंदा किया, खराब किया, बिगाड़ दिया है, होता है ना कोई सपोज में कुछ ड्रॉ कर दिया या कुछ लिख दिया है तो वो क्या हो गया, डिफेस कर दिया मतलब बुक को। ओके या नेक्स्ट इज यहाँ देख लो, डिफेस ए वॉल बाय राइटिंग ऑन इट, जैसे ये जो करिए ड्रॉइंग करिए राइट करिए कोई भी, डिफेस ए वॉल बाय राइटिंग ऑन इट। एंड डिफेस के सिनोनिम्स होंगे ऑब्लिटरेट, डिस्ट्रॉय, स्पॉइल, डिसफिगर, ब्लेमिश या टार्निश। एंड डिफेस के एंटोनिम्स होंगे क्योर, डेकोरेट या प्रोटेक्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मैस्करेड, मैस्करेड। Masquerade means to pretend to be someone else, to pretend to be someone else, or we can say pretend to be something that you are not, pretend to be something that you are not. मतलब ऐसा बिहेव करना, ऐसा प्रिटेंड करना जो आप नहीं हो, मतलब आप एक तरह से आप उसे बोल सकते हो आप अपने फेस में एक मास्क, एक ऐसा मुखौटा लगा रहे हो जिससे आपकी फीलिंग को छिपाया जा सके या जो आप हो वो आप दिखा नहीं रहे हो, तो उसे कहते हैं मैस्करेड। इसे एग्जांपल समझो, ओके क्या सपोज आप अगर एम्प्लॉय हो, ओके आप अगर एम्प्लॉय हो तो सपोज आप बॉस के कैबिन में हो या बॉस के ऑफिस में हो, या सपोज आप स्टूडेंट हो, मोस्ट ऑफ द तो आप लोग स्टूडेंट होंगे, तो सपोज आप स्टूडेंट हो एंड आप प्रिंसिपल के ऑफिस में हो, प्रिंसिपल के ऑफिस में हो या बॉस के ऑफिस में हो, ऑफिस में उनके कैबिन में हो, एंड आपको प्रिंसिपल ने या बॉस ने बहुत ही डांटा है, बहुत ही फटकार लगाई है किसी भी चीज़ के लिए, सपोज आपको बहुत ही डांटा है, आप कैबिन में हो एंड आपको बहुत किसी ने डांटा है, फटकारा है प्रिंसिपल या आपके बॉस ने, बट जब आप ऑफिस से कैबिन से बाहर निकलते हो तो आप ऐसा शो करते हो, ऐसा प्रिटेंड करते हो कि आपको कुछ कोई बोला ही नहीं है, ओके आप मतलब आपका फेस मतलब आपको आप ऐसा प्रिटेंड करते हो कि आप बहुत ही खुश हो, आपको अंदर बहुत फटकार लगी है, बहुत घाट लगी है, बट आप बाहर क्या करो बहुत ही अच्छा प्रिटेंड करो कि आपको मतलब अंदर शाबाशी मिला, उस हिसाब से प्रिटेंड कर रहे हो, दिखा रहे हो आप, मतलब एक तरह से आप अपने फेस में एक ऐसा मास्क लगा लियो, ऐसा मुखौटा लगा लियो जिससे लग रहा है कि आप बहुत खुश हो, आप कुछ और ही प्रिटेंड कर रहे हो, ओके तो उसे कहते हैं मास्करेड। होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो मास्करेड मीन्स प्रिटेंड और बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू प्रिटेंड प्रिवेंट द ट्रूथ अबाउट समथिंग अनप्लीजेंट और नॉट वॉन्टेड फ्रॉम बिकमिंग नोन, मतलब आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हो इसलिए आप अपना मास्करेड करो, मतलब अपने आप फीलिंग को छिपा रहे हो, हिंदी में कहते हैं इसे बहाना करना या एक तरह का छिपाना, ओके मतलब किसी भी सही चीज को अपने फेस में आप छिपा रहे हो। ओके एंड इसे गाइस याद रखो आप मास्क से, देखो एम ए एस क्यू है ना, तो एम ए एस के, जैसे ये जो फेस में मास्क है ना लगाई है ना, तो इसको बोलो मास्क से, यूज मास्क टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, तो आप प्रिटेंड कर रहे हो कुछ और अपनी फीलिंग को छिपाने के लिए, तो वो आप मास्क लगा रहे हो, जैसे सपोज ये अगर रो रही है बट ये मास्क लगा के उसे छिपाने की कोशिश कर रही है वो होगा मास्करेड, तो ये मास्क छिपा रही है या आप किसी भी चीज में फीलिंग को छिपा रहे हो तो वो होगा मास्करेड। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, देयर हैप्पी मैरिज वॉज ऑल जस्ट ए मास्करेड, मतलब उसको जो हैप्पी मैरिज है बस वो शो करिए कि हमारा हैप्पी मैरिज है, बट ऐसा है नहीं, अंदर बात कुछ और ही है, बहुत ही दुखी है, बट बाहर दिखा जा रहा है कि हम लोग हैप्पी मैरिज लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। ओके एंड इसके रिलेटेड सिनोनिम्स है क्लॉक, क्यूज, मास्किंग, इम्पोस्टर या इम्पर्सोनेशन।
एंड गाइस इन मस्कट के एंटोनिम्स होंगे रियलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, ट्रूथ या कैंडिडनेस। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एवरिश। एवरिश एवरिश मीन्स ग्रीडी, ग्रीडी या लालची कहते हैं एवरिश। बट देखो ग्रीडी और एवरिश में थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत ही फर्क है। देखो लालची होता है मतलब ग्रीडी मीन्स होता है लालची, मतलब किसी चीज का कोई थोड़ा सा लालच है तो उसे कहते हैं ग्रीडी। बट एवरिश मीन्स होता है, एवरिश मतलब कोई किसी चीज के लिए किसी को बहुत 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 ही लालच है, मतलब उसका लालच इतना इतना वो लालची है कि उस लालच के लिए सपोज किसी के लिए मतलब पैसे के लिए किसी को लालच है तो थोड़ा मोड़ा लालच तो सबके लिए होता है ना, मतलब पैसे के लिए लालच तो सबके लिए है। बट वो मतलब पैसे के लिए इतना वो लालची है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को मार सकता है, किसी को हार्म कर सकता है, तो वो इतना लालची है, मतलब वो बहुत ही लालची है तो उसे कहते हैं एवरेज। ओके मतलब वो एक तरह का इतना वो मतलब वो पैसे के लिए बहुत ही लालची है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा, किसी को मारेगा, किसी को कुछ भी मतलब किसी को धोखा भी दे सकता है पैसे के लिए, तो वो लालची नहीं हुआ, वो बहुत ही लालची हुआ। तो जो बहुत है मतलब लालची को वो एक्सट्रीम फॉर्म है वर्स्ट फॉर्म को कहते हैं एवरेज। अब एवरेज को माना जाता है एक तरह का ये पाप हो गया, मतलब किसी को मार रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो पैसे के लिए, तो ये लालच नहीं हुआ, ये बहुत ही लालच हुआ, तो उसे कहते हैं एवरेज। एवरेज को एक तरह का पाप आप सिन भी कह सकते हो। ओके सो एवरेज मीन्स a strong desire to have or get money, or we can say extreme greed or greed for material benefits. Hindi mein kahenge lobh, lalach ya dhan ka lalach. And guys ise yaad rakho, aap three part mein baant lete hain, ise yaad rakhne ke liye dekho a v a r i c, dekho a ko kiya maine a, v a ko kiya very. Okay, a very rich, a very strong greed to be very rich person. To matlab uska bahut hi lalach hai रिच पर्सन बनने के लिए। ओके तो वो होगा एवरेज, जैसे ये देखो तो ना सब ठूसा जा रहा है, इतना पैसा ठूसा जा रहा है, तो इसे कहेंगे एवरेज। एंड फॉर एग्जांपल मोटिवेटेड बाय एवरेज द एम्प्लॉय स्टोलन थाउजेंड ऑफ डॉलर फ्रॉम कंपनी वॉलेट। मतलब मोटिवेटेड बाय एवरेज मतलब वो बहुत ही इतना लालची था, बहुत ही लालची था कि वो मतलब कंपनी के वॉलेट से $1,000 चोरी कर लिया। एंड इसके सिनोनिम्स होंगे ग्रीडीनेस, पार्सिमनी, एविडिटी, रैपेसिटी या क्यूपिडिटी। एंड एवरेज के एंटोनिम्स होंगे जेनरोसिटी, फिलैंथ्रोपी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हेरोइंग। नेक्स्ट वर्ड इज हेरोइंग। हेरोइंग मीन्स प्रोवोकिंग ए फीलिंग ऑफ हॉरर और फेयर, मतलब ऐसा कुछ जिससे आपको डर लगे, भय लगे, या जो आपके लिए खौफनाक हो, आपके लिए बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हो या खौफनाक हो, तो उसे कहते हैं हेरोइन। जैसे ये देखो पिक में, मतलब एक तरह का देख के वो उसके लिए वो खौफनाक हुआ, मतलब डरावना हुआ ऐसा कुछ, तो उसे कहते हैं हेरोइन। सो हेरोइन मीन्स वेरी पेनफुल और अपसेटिंग बिकॉज कनेक्टिंग विथ सफरिंग, और वी कैन से एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग। एंड गाइस इसे हिंदी में कहेंगे शोकजनक, खौफनाक या भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला, मतलब ऐसा कैसे कुछ जिससे आपके भावनाओं को चोट लगे, वो होगा हेरोइंग। एंड गाइस इसे याद रखो आप हॉरर से, देखो अगर हम एच के ओ के ये एक जगह ओ करेंगे ना हॉरर एच ओ डब्ल्यू आर ओ, तो ये वो हॉरर से करो याद। ओके हॉरर डर, तो जो हॉरर है वो हॉरोइंग है, तो जो होता है ना कुछ मतलब जिससे आपको डर लग रहा है, तो जो हॉरर है वो हॉरोइंग, मतलब डर है आपके लिए, खौफनाक है आपके लिए, मतलब वो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होगा इस टाइप से, तो जो हॉरर है वो हेरोइंग है। ओके देखो यहाँ एग्जाम्पल आपको अच्छे से हो जाए क्लियर। हेरोइंग पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रेन हु हैज बीन मर्डर्ड, हेरोइंग पिक्चर मतलब खौफनाक पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रेन हु हैड बीन मर्डर्ड। एंड इसके सिनोनिम्स होंगे पेनफुल, टेरिफाइंग, ऑफुल, एग्नेसिंग, डिस्ट्रेसिंग। एंड इसके एंटोनिम्स होंगे pleasing, gratifying या calming. So guys, हमने 7 words discuss कर लिया है, एक बार सारे words को फटाफट हम लोग revise कर लेते हैं. Okay. First word था हमारा infantile. Infantile मतलब बच्चों, बचकानी हरकतें करना, बच्चों सा behave करना, जैसे ये देखो पिक में है, बच्चों सा रो रहा है, इसे आप कह सकते हो infantile. नेक्स्ट वर्ड हमारा succinct. Succinct मतलब किसी भी चीज को short, simple and to the point कहना, टू द पॉइंट कहना, बोलना, लिखना या एक्सप्रेस करना शॉर्ट, सिंपल एंड टू द पॉइंट में, वो होता है सक्सीएंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा
डेजर्टरी, डेजर्टरी मतलब किसी भी काम को ठीक से नहीं करना, मतलब पूरे मन से नहीं करना, मन लगा कर नहीं करना, बस जैसे तैसे काम को करना हो कहते हैं, या उसे अच्छे से नहीं करना हो कहते हैं डेजर्टरी। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिफेस। डिफेस मतलब किसी भी चीज को बिगाड़ना, बिगाड़ना, खराब करना, उसे नुकसान पहुंचाना, तो उसे कहते हैं डिफेस, मतलब उसे एक तरह का फेस को बिगाड़ना कहेंगे डिफेस। नेक्स्ट वर्ड हमारा मास्केरेड। मास्केरेड मतलब अपनी फीलिंग को छिपाना, अपनी फीलिंग को छिपाना वो कहते हैं, मतलब ऐसा कोई फीलिंग, ऐसा नहीं कि खुशी का फीलिंग को, अपने अनप्लीजेंट फीलिंग को छिपाना वो कहते हैं मास्केरेड। नेक्स्ट वर्ड हमारा हेरोइन। हेरोइन मतलब ऐसा कोई जो आपके लिए खौफनाक हो, आपको डर लगे, आपको भय लगे, आपके लिए वो खौफनाक एक्सपीरियंस हो, तो उसे कहते हैं हेरोइन। नेक्स्ट वर्ड है एवरेज। एवरेज मतलब कोई बहुत ही लालची हो, मतलब इतना लालची हो कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को मार सकता है अपने लालच के लिए, उसे कहते हैं एवरेज। सो गाइस, हमने 7 वर्ड्स डिस्कस कर लिया है। आप एक बार वीडियो पॉज करके सारे वर्ड्स को खुद से अच्छे से ट्रिक्स के साथ विजुअलाइज करिए, जैसे भी आपको याद आ रहा हो आप सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। सो गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you guys in my next video. Till then, bye bye. Take care. See you soon in my next video.